तो माता बाछलवा से बाग में से चल देती है और उधर को चल दी किधर, जहां को गुरु गोरखनाथ का डेरा गया था, और रोती हुई किस तरह से जा रही थी। गोरखनाथ सकल के दाता, गोरखनाथ सकल के दाता चले गए टट के, हो गोरखनाथ सकल के दाता चले गए टट के, गोरखनाथ सकल के दाता चले गए टट के, से माता बाछल बिलाप करती करती वहां पहुंच गई। कहां कि जहां गुरु गोरखनाथ का डेरा पड़ा था। गुरु गोरखनाथ के डेरे में जब पहुंच जाती है तो वहां से 1400 चेलों के धोना लगले थे, कह लगी पता नहीं इनमें कौन सा गोरखनाथ है, किस तरह से मैं बात करूं। तो एक महात्मा से वो बात करने लगती है, कह लगा रही बेटी एक बात बता, तू रो क्यों रही है, यू बता, रोने से यहां कोई बात नहीं बनेगी, जो तेरी बात अपनी खोल करके साफ बात बता दे। ये तो गुरु गोरखनाथ के 1400 चेलों के धोने रमे हुए हैं, तुझे किससे मिलना है, कहां से तू चल करके आई है, अपनी बात साफ बता दे। और क्या हो बताती है, और महात्मा माता बाछल से किस तरह से पूछता, माई तुझे क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो रही है, क्यों रो रही है, कहां से तू आई है, अपनी बात मुझे बता, या मेरी सुन ले, कौन है तू। बाबा मैं बाछल हूँ। बाछल मेरे पास क्या लेने के लिए आई है। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, और मैं 12 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ। अच्छा, और आपके बस की जब पुत्र देना नहीं था तो आप मुंह छुपा कर क्यों गए। नहीं माई,
हम तो वहां वरदान देख करके आए हैं, और ये साधुओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती, और बहता पानी रमते जोगी का कोई ठिकाना नहीं होता। आज यहां है, कल दूसरी जगह मिलेंगे, और तू अपनी बात मुझे खोल करके अपने बता दे, तू कहां से चल के आई और क्या बताया है। आपने मुझे 4 बजे बुलाया था, मैं 4 बजे आपका भोजन लेके चली आई। नहीं, इस भोजन में तो जहर मिला है, मेरी बात सुन ले। और आप मुंह छिपा करके चले आए। अरे मत रोवे री बेटी, तू बात बता सारी, अरे बाबा का धुना यहाँ कटते रे मारे, थोड़ा यहाँ कटते वे मारे, या कर दे मारे, या
गोरख बाबा की दिखे काला है नारी, वो तेरे सर पर हाथ धरू तेरी कट जारी रे मारी, वो तेरे सर पे हाथ धरू तेरी कट जावे मारी, वो तू किस्मत की मारी, तू किस्मत की मारी, वो ये कह दे दिल सारी बांझ नारी हूं बाबा। बांझ नारी के लिए तो मैंने आपको बताया माई कि हम वरदान दे चुके, बाकी तुम्हारा कोई पता नहीं किस रूप में चली आती हो ठगने के लिए, और क्या बताया है बाबा। हाँ माई, वो मेरी हम सकल बहन है छोटी। अच्छा, तो आपसे वरदान ले गई। अच्छा, मैं तो आज ही आपके पास आई हूँ। अच्छा ठीक है, और मैं 12 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ बाबा। तो किस तरह से माता बाछल गुरु गोरखनाथ और महाराज को समझा लगी और क्या बता रही है। बिन बेटे के इस जग में मुझे दिखे घोर अंधेरा, अरे मुझे कह के बाज पुकारे ना कोई दुनिया तेरा। क्या बताया सुते की भाड़ बना ली, देख बोल दाज राजा का जन सुते के भाड़ बना ली, वो जो पत की लाज बचा ली, वो जो पत की लाज बचा ली, वो तेरे लिया सभा में तेरा मुझे कह के बाज पुकारे ना कोई दुनिया में जन कितने बरस बीत गए, अरे बेटा हुआ न बेटी हो पापा जी क्यों न रूस गए, भात भराया वो तल्ला चाट भगत का
हबिल बीज खेत उपजाया दरबार की जय। बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। अगर आपकी समझ में रिकॉर्डिंग और एक कथा आ रही हो तो एक बार ताली बजा दें। बहुत बढ़िया। कह लगे रे बता दे, जो सबसे कम उम्र का है सिर पे लोहरी लटा है और सबसे ज्यादा सुंदर है वही बाबा गुरु गोरखनाथ है। कह तो सच्चे दरबार की जय। माता बाचल गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच जाती है। गुरु गोरखनाथ कह लगे वे मेरे पास क्या लेने के लिए आई है। कह लगे महाराज मैं ऐसे ऐसे बाछल हूं। कह लगा बाछल मैंने तुझे जो कुछ मेरे पास था वो मैं दे चुका। कह लगे नहीं महाराज मैं तो अभी आई हूं और तुम्हारे 1400 चेलों का भोजन भी ले रही हूं। तो कह दिया 1400 चेलों का भोजन नहीं ले रही, इसमें जहर ले रही है, 1400 चेलों की चमाद को मारने के लिए आई है। तो कह दो सच्चे दरबार की जय। काम कर, ये मेरी तोमी रखी है, इस तोमी को भर दे। अब एक बात बताइए, 1400 चेलों का भोजन क्या तोमी में आ जाएगा? आ जाएगा। अभी एक बार हाथ उठा के बतावे। वो कह रही आ जाएगा। नहीं आएगा। एक बार ताली बजावे। माता बाछल उस 1400 चेलों के भोजन को उस तोमी में भरती रही और वो तोमी गुरु गोरखनाथ की नहीं भरी। तो परीक्षा ले रहे थे। हाथ पकड़ के उठा दिया, कह दिया जा चली जा मेरे यहां से ढूंढे पैसे। और किस तरह से बताया, चलो जी। हर बाग से बाहर जइए री हम साधु सन्यासी। बाग से बाहर जइए री हम साधु सन्यासी। बाग से बाहर जइए री हम साधु सन्यासी। हम साधु सन्यासी मैया हम साधु पोत्र में दो दो पुत्र दिए बेटी। तू मांगे एक पोत्र में दो दो पुत्र दिए बेटी। तू मांगे एक पोत्र में दो दो पुत्र दिए बेटी। तू मांगे एक पोत्र में दो दो पुत्र दिए बेटी। लालच के चहकर में रानी रे
तब भगति और योग के बड़ सह पढ़ के दे दिए जो बेटी तब भगति और योग के बल सह पढ़ के दे दिए जो बेटी तब भगति और योग के बड़ सह पढ़ के दे दिए जो बेटी तब भगति योग के बल सह पढ़ के दे दिए जो बेटी अरे माती और नाले हो जाएंगे बरखा सिपाग से बाहर जी हम साधु चंदा सिपाग से बाहर जी हम साधु हो जागा कल्याण लगा ले बावरे हो जागा कल्याण हरे शैतान लगा ले बावरे हो जागा कल्याण हरे शैतान लगा ले बावरे हो जागा कल्याण अरे पाप का शरीर सारे मिट कर धाले गंगा का सिवाग से चली जा और लास्ट में एक बात कह दी कि क्या इतनी देर में तेरी शिकल और सूरत को भूल गया। जब शिकल और सूरत का नाम आया तो माता बाचल कह लगी हो तेरे साथ में तो तेरी बहनों ने चाले काट दिए। कह लेगी महाराज हम दो बहन हैं, एक ही घर में भाइयां रहे, एक ही शिकल की हैं, मेरा नाम बाचल है और वो काचल है, और वो आपसे झूठ बोल करके बरदान लेगी और बाछल मैं हूं। कह लगा मेरे पास कुछ नहीं है, अब तू यहां से चली जा। तो बाछल हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लेती है गुरु गोरखनाथ के। कह लगी मेरे साथ में तो धोखा होकर क्या बता रही है अपनी बहन के बारे में। अरे बहना ने बहना ने अरे बहना ने बहना ने वो बहना ने वो बहना ने जुलम गुजार दिए बहना ने जुलम गुजार दिए रे बहना ने वो बहना ने बहना ने बहना ने बहना ने वो बहना ने बहना ने हम बहन सगी बाजाई हम बहन सगी
वो दोनों एक घर में ब्याई, वो दोनों एक घर में ब्याई, वो दोनों एक घर में ब्याई, दोनों एक घर में ब्याई, वो बने अपने भाग जलायली बहुत जानते कह लगी वो तो ठगनी है, ठगनी बन करके अपने बरदान ले गई, वो ठगनी बन के आई, वो ठगनी बन के आई, वन ठग से क्या चलाई, वन ठग से क्या चलाई, वो वन ठग से क्या चलाई, वन ठग से क्या चलाई, वो जय बीरने वो जय बीरने वो जय बीरने भजन सुनाए मेरे साथ में तो बहुत बड़ा वो धोखा कर गई। तो बताया माता बाचल गुरु गोरखनाथ के पैर पकड़ ले गए, मेरे बंसावरी चलाते बेटा नाते पर बेटी दे दे, पर मेरा इस जग में साझा करते गुरु गोरखनाथ के पैर पकड़ करके छोड़ती नहीं है। किसी ने कहा कि धोला ना दे तो काला दे दे मेरे जैसा, पर मेरे कुल की बंसावरी चला दे और क्या बताया। अरे मेरे कुल की, मेरे कुल की, अरे मेरे कुल की बेल चला तेरे जोगी यो मानो ऐसा, मेरे कुल की बेल चला दे हो जोगी।
Hey!
बानी अमर रे संतों के बानी रे सत की हो जाय अमर कहानी सत के हो जाय अमर कहानी सत के हो जाय अमर कहानी सत के हो जाय अमर कहानी फिर से ओ जे फिर से कथा गवाज हो चल